प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ की। तो ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो भी फिजिक्स पढ़ रहे थे उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। सॉरी नहीं, न्यूमेरिकल से पहले अगर बात करें तो फ्लेमिंग के वामहस्त पढ़ रहे थे। और फ्लेमिंग के वामहस्त पढ़ने के बाद चलिए हम लोग टॉपिक्स देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल आघूर्ण। जरा समझिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर कितना बल आघूर्ण होगा। प्यारे छात्रों, ये जो है बिल्कुल इसका फार्मूला का व्यंजक उस तरह का नहीं है, लेकिन एक फार्मूला है। आप चीजों को समझ जाइएगा, ना ही इसमें कुछ एरो देकर कुछ बात लिखना है, बस अब ये समझना है। और ना इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में नहीं आता है कि धारा लूप पर कितना बल आघूर्ण होता है। तो चलिए फिर भी हम लोग समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि पता है हम लोग को, उसके नीचे जरूर आप लोग फिगर बनाइएगा, पहले समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब, ये चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी हमें बी दिया हुआ है, ये है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में धारा का एक लूप है। अब उस लूप पर कितना बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण का मतलब क्या? टॉर्क। जैसे एक घर के दरवाजे में लगे जो दरवाजा होता है उसको हम लोग खोलते हैं, तो एक अच के समझ अपेक्षा वो घूरता है चारों तरफ जब भी हम लोग गेट खोलते हैं, तो ऐसे, तो वो है एक अच जिस पर कोई बल हम लोग टॉर्क लगाते हैं, कार्यशील होता है, एक कार्य करता है। यानी कि बॉल आघूर्ण भी एक तरह का बल है, लेकिन इसको सूचित किया जाता है टाउ से, टॉर्क जिसको बोलते हैं। फिलहाल समझ लीजिए चीजों को। यहां पे ये क्या है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र, ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है सब सारा। अब इसमें कुछ धारा लूप है। धारा लूप का मतलब क्या है? धारा लूप का मतलब एक वायर से बना हुआ आयताकार कुंडली है जिसको हम लोग इस फॉर्म में ले रहे हैं। देख पा रहे होंगे, ये एक लूप है। यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र पास आउट हो रहा है और उसमें हम लोग आयताकार का बना हुआ एक धारा लूप उसमें रख रहे हैं। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। जब रख रहे हैं तो अब वो चुंबकीय क्षेत्र में कैसे करंट फॉलो हो रहा है, तो यहां से करंट जा रहा है, आई करंट ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ऐसे ही घूमते रह रहा है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आयताकार कुंडली है उसमें आई करंट पास हो रहा है, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। अब इसमें ए माना जा रहा है कि इसमें इसका जो लेंथ है, जो आयताकार कुंडली का, वो एल है। लेंथ कितना है? एल। और ब्रेथ कितना है? बी। यानी कि जो आयताकार धारा लूप लिया गया था उसका लंबाई एल है और चौड़ाई कितना है? बी है। अब इस चौड़ाई इसका जब बी है और लंबाई एल है, अब हम इसमें जरा फोर्स पे काम करते हैं कि फोर्स किससे किधर किधर क्रिएट होगा। जरा अब करंट इधर है तो हम दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे। अब करंट इधर है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इधर। तो हम लोग अंगुली को इस तरह से मोड़ेंगे, करंट इधर है धारा लूप में, इधर मोड़ेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो हम लोग ऐसे मोड़ेंगे, तो फोर्स कहां लगेगा? जी हाँ, ऊपर। तो हम लोग इसको फोर्स दिखा दिए, ये यहां पे जो लग रहा है वो F1 फोर्स लग रहा है। देखिए अब जरा इस पे बात करते हैं, तो इस करंट किधर है? इधर। करंट किधर है? इधर। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है। यानी कि तो ये आपके तरफ लगेगा, तो आपके तरफ का मतलब इसको दिखा दे रहे हैं ऐसे, यानी कि ये हुआ F2 फोर्स। यानी बिल्कुल ये करंट जब इधर से इधर जा रहा है तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो जब हम लोग करंट की दिशा को बदल दे रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, तो ये नीचे की ओर लगेगा। जरा बात करते हैं इसमें, यहां पे करंट इधर है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? चुंबकीय क्षेत्र
इधर, तो इधर मुड़ते हैं, तो ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब इसमें दिखा देते हैं, ये है F3, यानी कि F3 का मतलब अंदर की ओर, और जब ये उल्टा है तो ये हो जाएगा बाहर की ओर फोर्स F4। यानी कि प्यारे छात्रों यहां पे जो फोर्स लगेगा वो टोटल वो चार तरीके का फोर्स लगेगा, F1 और इसके उल्टा F2, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर F4, यानी कि टोटल आयताकार आयत में चार भुजाएं होती है, दो लंबाई और दो चौड़ाई, और दोनों लंबाइयां एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाएंगी और दोनों चौड़ाइयां एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाएंगी। ऐसा करने से होगा क्या कि अब वो विक्षेपण होना शुरू हो जाएगा उस आयताकार कुंडली में। जैसे अगर बात किया जाए तो ऐसा अगर आयताकार कुंडली है, ऐसा मान लिया है कि उसको हम लोग पकड़े हैं, अब एक अंदर जाना चाह रहा है और एक बाहर आना चाह रहा है, तो जब कभी भी टॉर्क लगेगा तो ऐसे ऐसे करके लगेगा, ऐसे लगेगा टॉर्क। अच्छा, अगर मान लिया कि हम उसको ऊपर से पकड़ेंगे तब पर भी एक तो अंदर, देखिए दोनों साइड को देखिए, एक अंदर जाना चाह रहा है तो एक बाहर आना चाह रहा है, एक नीचे जाना चाह रहा है तो एक ऊपर जाना चाह रहा है, यानी कि ये जो आयताकार लूप है इसी को बोलते हैं जब एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाता है, अपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाता है, दोनों विक्षेपण करने लगता है, तब उसमें वैसे बल को बोला जाता है बल आघूर्ण। तब ये समझा जाता है कि भाई यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा ना वो एक बल के रूप में लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस आयताकार लूप में टोटल कितने तरह का फोर्स लग रहा है, चार तरह का, और आमने सामने की जो आयताकार लूप है ये दोनों विपरीत फोर्स लगा रहा है। जरा अब हम लोग पूरा का नाम दे देते हैं, इसका नाम है पी क्यू आर एस, तो उसके नीचे लिखिएगा, माना कि पी क्यू आर एस एक धारावाही कुंडली है जिसमें जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित किया जा रहा है, जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित किया जा रहा है, जो एक चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है, कॉमा हमें इस धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, चलिए तो अभी तक के हम लोग मान लिए बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। फिर से नीचे लिखेंगे, माना कि आयताकार धारावाही लूप का लंबाई, L है तथा उसका चौड़ाई B है, तब क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को हम लोग A से सूचित कर रहे हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसलिए A बराबर एल बी, उसके नीचे लिख दीजिएगा A बराबर एल बी। चलिए अब A बराबर एल बी हो गया फार्मूला, अब इसके आगे का फार्मूला हम लोग बनाते हैं कि क्या क्या पुट होगा इसके आगे। A बराबर याद रख लीजिएगा, A का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब L गुना बी, और बी का मतलब क्या, कैपिटल बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा कि हम लोग क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या क्या वैल्यू हम लोग माने हुए हैं। तो याद रख लीजिएगा कि जो हम लोगों को बल आघूर्ण का वैल्यू मिलेगा, देख लीजिए बल आघूर्ण को अंग्रेजी में टॉर्क बोलते हैं, TORQUE, इसको हम लोग सूचित करते हैं टाउ से, टाउ, इसको पढ़ते क्या है, टाउ, टाउ, ठीक है। तो बल आघूर्ण अंग्रेजी में टॉर्क बोलते हैं, इसको सूचित करते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं टाउ, और टाउ बराबर फार्मूला जो बनेगा वो सबसे पहले नंबर यानी कि कुंडली, फेरो की जितने भी कुंडली होगी तो हम उसको बोलेंगे एन, यानी कि एन का मतलब क्या, टोटल फेरो की संख्या, यानी कि जो आयताकार रूप है उसमें कितना कितना तरीके से, मतलब हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके कितना भी आयताकार कुंडली बन सकता है, कितना भी फेरा हो सकता है।
तो देख पा रहेंगे वही है। अगर मान लिया कि वहां पे कुंडली का बात करते हैं तो ऐसे ऐसे कुंडली होता था, जैसे परिनालिका में या टेरॉइड में जब हम लोग उसको लपेटते थे तो ऐसा ही कुंडली होता था, लेकिन इस बार आयताकार कुंडली का मतलब बिल्कुल ऐसा समझना है, एक आयताकार फिर उसके ऊपर एक आयत, उसके ऊपर एक आयत, ऐसे तरीके से। तो एन का मतलब लपेटों की संख्या, और इसमें टोटल करंट कितना पास हो रहा है आई, उसका क्षेत्रफल कितना है ए, और किस क्षेत्र में है तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि डी। तो कुल मिलाकर अगर जो टॉर्क निकलेगा वो कितना निकलेगा, एन आई ए डी। कब निकलेगा, जब बिल्कुल दोनों 90 डिग्री पर होगा, यानी कि देख पा लोगे कि दोनों किस पे है, 90 डिग्री पे है। अगर मान लिया जाए कि ये वाला एंगल थीटा रहेगा, ये किसके लिए फॉर्मूला है, जब कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब हम लोग को फार्मूला कितना मिलेगा, एन आई ए बी। कब, जब थीटा 90 डिग्री पर होगा तब। जैसे मान लिया कि ये बी इधर से इधर है चुंबकीय क्षेत्र, और मेरा ये जो धारावाही लूप है ये बिल्कुल ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है दोनों तरफ, तो हम लोग इसके यानी कि धारावाही लूप और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री बनेगा तब फार्मूला होगा एन आई ए बी। अगर मान लिया कि 30 डिग्री बने चाहे 40 डिग्री बने तब कैसे होगा, तो उसके बाद बाकी लिखते हैं। यदि यदि कोण थीटा हो तो, अगर याद रखिए अगर कोण अगर थीटा होगा तब टार्क का वैल्यू कितना होगा, तो एन आई ए बी साइन थीटा। देख लीजिए क्यों, क्योंकि जब 90 डिग्री था तो यहां आप 90 पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, इसीलिए अगर 90 डिग्री पर, यहां पे देख लीजिए कि 90 डिग्री पर क्या फार्मूला है टॉर्क का, एन आई ए बी है ना। तो ये एन आई ए बी फार्मूला कब है, जब थीटा 90 डिग्री रहेगा तब। अगर हमें थीटा का 90 के बजाय कुछ और रहेगा, 30 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा, तब टोटल टॉर्क कितना होगा, तब बल आघूर्ण का मान कितना होगा, तो जितना फेरों की संख्या रहेगा, जितना करंट पास करेगा, जितना एरिया, ए का मतलब एरिया क्षेत्रफल, एल और बी को गुना करेंगे। जी हाँ, आपको सवाल में देगा तब, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता है। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा जितना रहेगा, और यहां पे थीटा बराबर अगर पुट कीजिएगा, एग्जांपल के तौर पे थीटा अगर 90 पुट कीजिएगा तब टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा, तब जाके टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा आपको एन आई ए बी। क्यों, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1। अगर हमको अगर रहेगा कि थीटा बिल्कुल 0 डिग्री है, तो याद रखिएगा अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो बिल्कुल ही बल आघूर्ण नहीं निकलेगा, यानी कि एन आई ए बी साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, इसलिए हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा दो कंडीशन, कि अगर हमें थीटा 90 डिग्री है तो टोटल बल आघूर्ण कितना लगेगा, एन आई ए बी। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तब टॉर्क कितना लगेगा, एन आई ए बी साइन 0, यानी कि टोटल 0 लगेगा बल आघूर्ण। अच्छा, इसको मानते हैं समीकरण 1, और फिर लिखते हैं समीकरण 1 से। अब इसी को हम लोग और क्या क्या फार्मूला बना सकते हैं वो जरा देखिएगा। पुनः समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो टॉर्क बराबर क्या है, एन आई ए बी साइन थीटा। अब जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ए बी साइन थीटा होता है तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, जैसे कि फार्मूला हम लोग पहले यूज करते थे। जब ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा होता है तो यहां से ऑलरेडी ए बी साइन थीटा है, तो यहां से हम लोग ऐसे पुट कर सकते हैं वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू एन आई, और इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी। जी हाँ, लिख सकते हैं एन आई ए क्रॉस बी, या यू बोले तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी। अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र, एन आई ए का मतलब हुआ फेरों की संख्या, धारा और क्षेत्र, यहां छोटा एम बराबर एन आई ए माना। देखिए अब हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, एन आई ए का मतलब छोटा एम पुट कर रहे हैं,
और छोटा एम का जो मतलब है वो छोटा एम का मतलब होता है निलंबित अवस्था में चुंबकीय सुई, यानी कि ये एम क्या बताता है, तो ये समझिए कि चुंबकीय सुई को बतला रहा है किस अवस्था में, तो निलंबित अवस्था। अब निलंबित का मतलब होता है कि जैसे मान लिया चुंबकीय क्षेत्र यहां पे पास कर रहा है, और निलंबित का मतलब लटकाना, हम ऊपर से उस धारा को पकड़ के एक रस्सी के माध्यम से और चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए हैं, उसी को हम लोग निलंबन बोल रहे हैं। यानी चुंबकीय सुई किस अवस्था में हो, निलंबित अवस्था में हो, वो दिखाता है छोटा एम का। तो छोटा एम का वैल्यू हम कितना मान रहे हैं, एन आई ए। तो इसलिए जो टॉर्क लगेगा वो एम क्रॉस बी निकलेगा, यानी कि प्यारे छात्रों यही मेरा वो बल आघूर्ण है, टॉर्क है, जहां पे ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र दिया रहता है और धारावाही लूप में हम लोगों को बल आघूर्ण निकालना पड़ता है, इसी यही है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण में एम का भी यूज हुआ है, बी का मतलब तो जान ही रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन एम का मतलब, छोटा एम का मतलब हुआ चुंबकीय सुई निलंबित अवस्था को दिखा रहा है, और इसका फार्मूला होता है एन आई ए। एन का मतलब फेरों की संख्या, आई मतलब विद्युत धारा, ए मतलब जी हाँ दोस्त क्षेत्रफल, और इसका वैल्यू कैसे, तो एल गुना बी, यानी कि जो धारावाही लूप है उसको मैं अगर एल और बी को गुना करेंगे तब हमें एरिया प्राप्त होगा। तो एक तरीके का यह फार्मूला था, आप इसको लिख लीजिए। और फिर इस चैप्टर का, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और इस तरीके से जो चैप्टर हम लोग खंड टू पढ़ रहे हैं, ऐसे पता है फिजिक्स में टोटल खंड छह है, और खंड छह में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ खंड दूसरा पढ़ रहे हैं, और खंड दूसरा का ये दूसरा चैप्टर चल रहा है जो कि आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे का जो टॉपिक्स है उसको पढ़ते हैं। तो आगे का टॉपिक्स लिखेंगे एम्पियर की परिभाषा, ये लास्ट है एम्पियर की परिभाषा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, एम्पियर की परिभाषा, इसको लिखते हैं, लिखा जाए। एक एम्पियर प्रबलता के, एक एम्पियर प्रबलता की, प्रबलता की विद्युत धारा, वह धारा है, वह धारा है जो जो वायु अथवा निर्वात में, जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित, एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे कौमा सीधे व समांतर चालकों से, व समांतर चालकों से प्रवाहित होने पर, प्रवाहित होने पर उनके बीच, उनके बीच, उनके बीच दो गुने दस के पावर माइनस सात, दो गुने दस के पावर माइनस सात न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न करती है, न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न करती है। चलिए अब हम लोग जरा इसको समझते हैं कि एम्पियर की परिभाषा क्या बोलता है। प्यारे छात्रों एम्पियर की परिभाषा में हम लोगों को एक बात याद रखना होगा कि एम्पियर की परिभाषा क्या होता है। तो एम्पियर, वह एम्पियर का वह परिभाषा है जिसमें विद्युत धारा भी एक एम्पियर होना चाहिए, दूरी, दूरी भी आपको एक एम्पियर होना चाहिए, और उसका लंबाई भी एक एम्पियर होना चाहिए। अगर आप उतना चीज रखते हैं तो जो बल का व्यंजक आता है वो कितना आना चाहिए, दो गुना दस के पावर माइनस सात।
अगर इतना आता है तब आपका एक एम्पियर की परिभाषा निकलता है। जरा एम्पियर की परिभाषा को समझने के लिए क्या क्या शर्त है वो लिखिएगा। तो उसके नीचे शर्तें, क्या क्या शर्त है जरा समझिए। शर्तें पहला ये है कि आई का मान हमेशा एक एम्पियर रखना है, एक एम्पियर होगा, और फिर आर का मान यानी कि दूरी, दोनों के बीच की दूरी जिसको हम लोग आर का वैल्यू पुट करते हैं, एक मीटर होना चाहिए, दो लंबे सीधे समांतर पदार्थों के बीच एक मीटर की दूरी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद म्यू नॉट का तो वैल्यू पता है ना, 4π × 10⁻¹⁷ मीटर। और जो धारावाही, सीधे धारावाही लंबे तार हो या फिर कुछ भी हो, उसका लंबाई भी कितना होना चाहिए, एक मीटर। यानी कि एम्पियर की परिभाषा को समझने के लिए कुछ शर्त है, वो शर्त क्या है, तो शर्त यही है कि धारा का मान एक एम्पियर होना चाहिए, दूरी का मान एक मीटर, म्यू नॉट का वैल्यू इतना होता ही है, और लंबाई एक मीटर हो, तब यदि एफ बराबर अगर आपको आता है 2π × 10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर अगर फोर्स आता है, तब हम बोलेंगे कि वह एक एम्पियर की परिभाषा है। एम्पियर की परिभाषा, इसी को बोलेंगे एम्पियर की परिभाषा। यानी कि आप ऐसे बोलेंगे कि यदि कोई सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तार में एक एम्पियर की विद्युत धारा, उसकी दूरी एक मीटर की होनी चाहिए, उसका लंबाई एक मीटर का हो, अगर इतना सारा चीज रहेगा और तब जाके हम बल जो है 2×10⁻¹⁷ N/m का बल प्राप्त करते हैं, तब वो एम्पियर की परिभाषा हमें प्राप्त होता है। जरा आप समझते हैं कि ये चीजें कैसे निकाला जाता है, इसका प्रूफ दिखाते हैं। तो चलिए अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक समीकरण का यूज किया करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि एम्पियर की परिभाषा में कैसे हम लोग इसको प्रूफ करके वैल्यू निकालते हैं। हालांकि एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, वो समीकरण आपको याद रखना होगा, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू बटा 2πr। एक समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है प्रूफ करने के लिए। ये समीकरण को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल हम लोग कहीं मिला नहीं है, लेकिन ये स्पेशल एम्पियर की परिभाषा को प्रूफ करने के लिए समीकरण है। तो एक नया समीकरण जो काम क्या करता है, एक एम्पियर की परिभाषा को प्रूफ करता है। चलिए यहां पे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले कुछ शर्तें लिखेंगे। तो शर्तें में हम लोग क्या क्या लिखे हैं, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर रखना है। यहां पर तो दो दो करंट है, तो दोनों का ही करंट का वैल्यू हम लोग 1 एम्पियर रखेंगे। आर का वैल्यू बिल्कुल 1 मीटर रखना है। उसके बाद एल का वैल्यू लंबाई 1 मीटर रखनी है, और म्यू नोट का वैल्यू कितना रखना है, 4π × 10⁻¹⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो आई वन आई टू आर एल म्यू नोट का वैल्यू इतना रखना है, तब हमें एफ का मान निकालना है। प्यारे छात्रों, इतना इतना सारा चीज का वैल्यू पुट कीजिएगा, एफ का मान निकालिएगा, कितना आएगा, 2×10⁻¹⁷ इतना आएगा। जब इतना आएगा तो उसके नीचे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, हमको ये आ चुका है। तो आगे का काम हम आपको देते हैं, ये सब सारा का मान इस फार्मूला में रखिएगा। अगर एफ का मान यहाँ पे इतना आता है तो आपका एक एम्पियर का जो परिभाषा लिखे हैं वो सही है, और बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि इतना ही फोर्स होता है। कितना, तो 2×10⁻¹⁷ आएगा, तो बिल्कुल इतना आएगा। और आप इसको बढ़िया से सॉल्यूशन कीजिएगा, और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। तो ये खंड 2 का एक दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आगे आने वाले चैप्टर यानी कि कल जो स्टार्ट करेंगे वो विद्युत यंत्र स्टार्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।